Hi everybody, welcome to this class. Today in this class we will discuss about document view property. ये कैसे काम करता है? इसके लिए सबसे पहले हमने एक डॉक्यूमेंट ये ले रखा है, उसके अंदर हम कुछ डेटा ले लेते हैं। यहाँ पर रेंट में गए, यहाँ पर मैंने इसमें कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट किए, तो हमारे पास ये 3 पेजेस आ चुके हैं, ये हम देख चुके हैं यहाँ पर, टोटल 3 पेजेस हैं। अब व्यू की अगर हम बात करें तो ये हमारे व्यूज़ हैं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिखेगा वो प्रॉपर्टी है। प्रिंट लेआउट व्यू में तो ये ऐसे दिखता है नॉर्मल, जिस तरीके से प्रिंट होकर आएगा, प्रिंटिंग फॉर्मेट जिस तरीके का है वो चीज़ें हमें दिख रही है। और अगर हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, तो ये पूरी स्क्रीन में इस तरह से आएगा रीडिंग पर्पज़ के लिए, इसको हम पढ़ सकते हैं। यहाँ से अगर इसको बड़ा करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हमें इंक्रीज टेक्स्ट साइज़ करना होगा। इस पर हम क्लिक करते जाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, फिर हम इसको पढ़ सकते हैं इस तरीके से। जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा हमें दिखता रहेगा, ये हमारे सामने। अगर हम यहाँ पर जाकर शिफ्ट आई करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की है जो इसके साइज़ को बढ़ा देगी, शिफ्ट आई प्रेस करते ही इसका साइज़ बढ़ेगा, और अगर कम करना है तो शिफ्ट डी से इसका साइज़ कम हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पर क्लिक करके भी साइज़ को कम कर सकते हैं, या फिर हम शिफ्ट डी कर सकते हैं। यहाँ पर गए और शिफ्ट डी कर दिया, और यहाँ पर जाएंगे शिफ्ट आई कर देंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये पढ़ने के लिए होता है ये वाला भी। इसके बाद शो वन पेज से तो हमें एक पेज दिखाई देगा, शो टू पेज से हमें 2 पेज साइड बाई साइड दिखाई देंगे, जैसे एक बुक हमारे सामने खुली हुई हो। शो प्रिंटेड पेज से बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा कि किस तरीके का डाटा प्रिंट होने वाला है, इसमें हमारा फॉन्ट बारीक आ रहा है। फिर हम इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ेंगे तब हमें जाके थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रिंट, ये हमारा प्रिंटेड पेज है। इसके बाद मार्जिन सेटिंग, मार्जिन सेटिंग में क्या होता है, शो मार्जिन हमें दिखाई देंगे, ये मार्जिन है हमारे, यानी कि अगर हम इस डेटा को इस अभी प्रिंट करते हैं तो इतना मार्जिन चारों तरफ से छोटेगा। और सप्रेस मार्जिन से क्या होगा, मार्जिन कम हो जाएंगे, तो जब डेटा प्रिंट होगा तो कम मार्जिन के साथ प्रिंट होगा, इतने मार्जिन, वो करीब 1 इंच का मार्जिन था चारों तरफ से और ये करीब आधे इंच का मार्जिन है। ऑटोमेटिकली डिसाइड से इसका जो भी ऑटोमेटिकली डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग मार्जिन सेट हो जाएगा। अलाउ टाइपिंग, अलाउ टाइपिंग से ये होता है कि अभी इसके अंदर हम कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं, ये बंद है यहाँ पर। अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी की प्रेस करता हूँ काम नहीं करेगी, लेकिन अगर अलाउ टाइपिंग हम कर देंगे तो इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये मैं आगे बताऊँगा दूसरी वीडियो में। शो कमेंट, शो कमेंट्स एंड चेंजेस, ये सब हम आगे करेंगे, ये यहाँ की चीज़ें नहीं हैं, इनको यहाँ पर छोड़ देते हैं। शो ओरिजिनल ओरिजिनल फाइनल डॉक्यूमेंट, ये सब 3 चीज़ें हम छोड़ देंगे, बस यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ टूल्स भी दिए गए हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई कमेंट डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम इस पर जाकर कमेंट डाल सकते हैं, मैंने इसे कमेंट लिख दिया है। और टेक्स्ट हाईलाइट, अगर मुझे कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो वो भी इसमें फैसिलिटी है, यहाँ पर जाकर यहाँ से हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए टेक्स्ट हाईलाइट और यहाँ से इसको हाईलाइट से कलर दे दिया। तो ये कुछ टूल्स इसमें अवेलेबल हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड से मैं इसमें से कुछ फाइंड करना चाहूँ, जैसे मैंने बोला दा फाइंड करके दो, फाइंड नेक्स्ट से दा इसमें सर्च करके देगा, हाईलाइट ऑल से सारे दा हाईलाइट कर देगा, तो ये ऑप्शन भी इसमें काम करता है। इसके बाद सेव करना चाहो तो यहाँ से सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट, और अगर हम यहाँ से बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू था, इसे पढ़ने के पर्पज़ से होता है, और जो प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ पर लगाते हैं वो सारी इसमें प्रॉपर्टी, जो भी चेंजेस हम इसमें वहाँ पर करेंगे वो चेंजेस परमानेंट आ जाएंगे। जैसे मैंने ये हाईलाइट किया था तो ये हाईलाइट हो रखा है, और सॉरी ये हाईलाइट किया था हाईलाइटेड है, और इनको मैंने ट्रैक किया था तो ये भी दिखाई दे रहे हैं दया, और कमेंट लगा था ये भी दिखाई दे रहा है। अगर हम इनको हटाना चाहते हैं होम में जाएंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, फाइंड में जाएंगे यहाँ पर,
और यहाँ से इसको हटा देंगे पॉइंट में जाके और क्लियर हाईलाइट कर देंगे। ओके ये हट जाएगा, इसको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, नो कलर कर देंगे। कमेंट को हटाना है तो व्यू में जाके कमेंट को हटा देंगे, रिव्यू में डिलीट कमेंट, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मेट था, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, जिसमें हमें डेटा दिखाई देता है सिर्फ रीडिंग पर्पज़ के लिए। तीसरी चीज़ इसमें आती है वेब लेआउट। वेब लेआउट में ऐसा होता है जैसे वेबसाइट का वेब पेज हो, जैसे एक वेब पेज हो हमारे पास, इसमें पहले हम कुछ और डेटा ऐड कर देते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ या फिर नॉर्मल कर देता हूँ और कंट्रोल ए से सारे डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल डेटा, सारे डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो ये कमांड है, हमने कुछ डेटा यहाँ पर ज़्यादा ले लिया है, अभी तक 3 पेज थे तो अब 6 पेज हो गए हमारे पास। और यहाँ पर हम अब देखते हैं इसमें वेब लेआउट में कैसा दिखता है। तो ये हमारे वेब पेज की जैसे दिख रहा है, इसमें कहीं भी पेज ब्रेक हमें दिखाई नहीं देगा, पूरा एक कंप्लीट पेज चलता रहेगा ये हमारा। दूसरी चीज़ में यहाँ पर आउटलाइन है, आउटलाइन में ये डेटा इस तरह से सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है या डॉट्स में डिवाइड हो जाता है। ये आउटलाइंस हम अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले कुछ हेडिंग्स लगानी होगी। जैसे मैं इसका नाम चैप्टर 1 दे देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके हेडिंग 1 बना देता हूँ। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ चैप्टर 2, इसको हेडिंग 2 बना देता हूँ। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ चैप्टर 3 और इसको हेडिंग 3 बना देता हूँ, सॉरी हेडिंग 1 बना देता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पर इंट्रोडक्शन डाल देता हूँ और इसको हेडिंग 2 बना देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर समरी लिख देता हूँ और इसको हेडिंग 3 बना देता हूँ। तो अब अगर हम इसे आउटलाइन में देखेंगे, ये तो वेब लेआउट है, आउटलाइन में ये है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से डेटा दिखाई देगा। इस पर प्लस क्लिक करेंगे तो सारे डेटा इसके अंदर क्लोज हो जाएगा जो उसके अंडर में था। इसको खोलेंगे तो चैप्टर 1 पूरा खुल कर आ जाएगा हमारे सामने, उसको खोलेंगे तो चैप्टर 3 खुल कर आ जाएगा। इसको बंद करेंगे तो इंट्रोडक्शन के अंडर में जितना डेटा था वो बंद हो जाएगा, उससे समरी के अंडर में। इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट बन के तैयार हो जाता है। ये हमारी आउटलाइन है, अगर हम किसी लेवल को इसमें आगे पीछे करना चाहें वो भी हो जाएगा। जैसे चैप्टर 2 है, मैं इसे चैप्टर 1 के लेवल में लाना चाहता हूँ, तो यहाँ से बैक करेंगे चैप्टर 1 के लेवल में आ गया। अभी इसे बंद करूँगा मैं तो इसके अंदर के सारे डेटा बंद हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से माइनस पे प्लस पे जाके ये खुलता है और माइनस पे जाके बंद होता है, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से प्लस करेंगे तो खुल जाएगा, माइनस करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो प्लस माइनस कीबोर्ड से भी काम करेगा, इससे यहाँ से भी काम करेगा और यहाँ से भी काम करेगा। इस तरीके से हम लोग आउटलाइन बना सकते हैं, इसमें हेडिंग होनी ज़रूरी होती है। ये हमारा एक दूसरा स्टाइल हो गया, यहाँ से हम इनका लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इस लेवल को अगर कम करना चाहूँ तो छोटे लेवल की तरफ जाएगा, मैं छोटी हेडिंग्स की तरफ जा रहा है, और बड़ा करेंगे तो ये बड़ी हेडिंग्स की तरफ जाएगा। इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ये हमें टोटल लेवल दिखाएगा, ओवर लेवल कितने हैं हमारे यहाँ पर। आउटलाइन के बाद इसमें एक चीज़ आती है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है इसमें, उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं। यहाँ पर एक होता है शो फर्स्ट लाइन, एक होता है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग है ये दिखाई देगी, और अगर इसको अनचेक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग नहीं दिखाई देगी। हेडिंग तो ये है अभी भी, लेकिन फॉर्मेटिंग इनकी मिस हो गई। इसको ऑन करेंगे तो फॉर्मेटिंग यानी कि जैसे बोल्ड और कलर्स हो रखा है वो सब इसमें आएगा। शो फर्स्ट लाइन ओनली का मतलब अभी ये पूरा पैराग्राफ आ रहा है, फर्स्ट लाइन में सिर्फ पहली लाइन आएगी, सिर्फ फर्स्ट लाइन, बाकी डेटा दिखाई नहीं देगा। बाकी डेटा के लिए डॉट डॉट लगकर आ जाएंगे। तो ये शो फर्स्ट लाइन होता है कि सिर्फ पहली लाइन दिखाएगा अगर हम इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑफ रखा जाता है तो इसे सारा डेटा दिख रहा होता है, और इसको अभी ऑन रखते हैं क्योंकि हमें डेटा हमारे पूरी फॉर्मेटिंग के साथ दिखाई देता है। और लेवल में एक चीज़ देखने की है कि अगर हम लेवल 1 कर देते हैं यहाँ पर, तो हमें सिर्फ चैप्टर 1, 1, 2, 3 यानी कि लेवल 1 दिखाई दे रहा है,
टू कर देते हैं तो यहाँ पर एक लेवल टू इंट्रोडक्शन था जिसको हमने हेडिंग टू बनाया था वो दिख रहा है। लेवल थ्री कर देंगे तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने समरी डाला था वो भी दिख रहा है। इसके अलावा हमने कोई सब लेवल और नहीं लिया था इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं ऑल लेवल पर क्लिक करूँगा तो हमें सारा डेटा दिखाई देगा। देख सकते हैं हम लोग, ये हेडिंग भी दिख रही है और उसके अंदर का डेटा भी दिख रहा है, ऑल ऑल टैक्स सारा टैक्स दिखाई दे रहा है। तो ये ऑल लेवल में सब चीज़ें दिखाई देती हैं, लेवल वन में सिर्फ हेडिंग वन दिखाई देंगी, लेवल टू में हेडिंग टू और लेवल थ्री में हेडिंग थ्री भी दिखाई देगी। तो ये तो हमारा आउटलाइन था। अब इसमें ड्राफ्ट देख लेते हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में ये बिल्कुल वेब पेज की तरीके से दिखाई देता है जैसे वेबसाइट का पेज, बस इसमें एक लाइन आ जाती है जहाँ पर नया पेज स्टार्ट हो रहा होता है। हर पेज की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एक लाइन होती है जो दिख रही है, जबकि वेब लेआउट में ये लाइन नहीं होती है। बस इतना फ़र्क है दोनों में, तो यहाँ पर आउटलाइन होती है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है दोनों। और ये जो हमारे डॉक्यूमेंट व्यू हैं हम इनको यहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू आ गया, ये हमारा फुल स्क्रीन आ गया। यहाँ से एस्केप करेंगे कीबोर्ड से तो ये बंद भी हो जाएगा। और ये हमारा आउटलाइन वेब लेआउट आ गया, ये हमारा आउटलाइन व्यू आ गया है, और ये हमारा ड्राफ्ट आ गया। तो सारे व्यूज यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग और यहाँ से भी देख सकते हैं व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट व्यू प्रॉपर्टीज से। तो इस वीडियो में हमने सीखा इस ट्यूटोरियल के अंदर कि डॉक्यूमेंट व्यू क्या होते हैं। इसमें बस इतना ही, अगर इसमें कुछ आपको पूछना है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया है, हेल्पफुल लगा था, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।